पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया था। ऐसे में यूपी पुलिस सवालों के कटघरे में थी। इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग उठ रही थी। अब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में दो एसआईटी गठित की गई है। एक एसआईटी डीजीपी आर के विश्वकर्मा ने एडीजी जोन प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और डायरेक्टर एफएसएल के अगुवाई में गठित की है। दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस ने शाहगंज थाने में दर्ज हुए मर्डर के केस में गठित की है। बता दें कि इस कमेटी के गठन से पहले ही जुडिशियल जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं और अब एसआईटी की टीम भी जांच करेगी। अतीक की हत्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की भी हत्या हो गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। बहुत अफसोस है कि उन तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने क्यों नहीं रिमांड पे लिया? पुलिस इसका मतलब है कि उन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही, और अगर पुलिस इन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब है इन तीनों के तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बड़ी साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो पैनल हेड करेंगे वो रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे इलाहाबाद कोर्ट के, और रिटायर्ड आईपीसी ऑफिसर सुभेश कुमार और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ब्रजेश कुमार सोनी। देखिए, बड़ा सवाल है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और कोई भी कमेटी बनती, वो ऐसी कमेटी बनती कि जिसपे ये सोचा जा सकता था कि वो जल्द अज जल्द इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस को इसे रिमांड पे तीनों को लेना चाहिए था और इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर जुडिशियल कस्टडी में चले गए तो इसका मतलब है कि उनको बचाने की कोशिश हो रही। सरकार निश्चित रूप से इसकी जानकारी के लिए अच्छा कदम उठाया है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार इसको पूरी तरह से देख रेख करे और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो लोकतंत्र में। और चूंकि प्रेस के सामने हुआ है इसलिए देश के तमाम लोग भयग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए इसकी जानकारी लेनी चाहिए। पूछना चाह रहे थे कि जो उमेश पाल हत्याकांड था उसका कौन सा जांच का कमीशन बनेगा। सवाल तो उमेश पाल हत्याकांड पे शामिल है कि जो उसकी निर्मम हत्या हुई, वहाँ पर जो गलतियाँ हुई पुलिस की, कमिश्नरेट का जो गलती हुआ, एलआईयू का जो फेल्योर था। पाल परिवार के साथ न्याय किसी की हत्या नहीं है, उसके साथ इंसाफ करना वो सबसे बड़ा सवाल था कि कौन लोग थे जो उसके पीछे थे उमेश पाल को हत्या करवाने में, कौन लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में शामिल थे। ये जवाब तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को देना पड़ेगा।